हरे कृष्णा। भगवान की आरती करने के लिए सर्वप्रथम जरूरी है कि हम शुचि अवस्था में हो, यानी कि हमने स्नान किया हो और स्नान करने के बाद नाखून काटना, शेविंग करना, बाल काटना, पेट साफ करना या एक घंटे से ज़्यादा सोना या किसी मृत शरीर को टच करना, शमशान जाना, ये सब चीज़ें अगर आपने की हो तो उसके बाद ज़रूर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप साफ कपड़े पहने, इस तरह से आप धोती या चादर पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज कोई भी स्वच्छ कपड़े आप पहनकर भगवान की आरती करें। आरती करने के लिए मिनिमम हमें 3 फ्रेम की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद की फ्रेम, पंचतत्व की फ्रेम, भगवान राधा कृष्ण की फ्रेम। अभी हम देखेंगे कि भगवान की आरती करने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। भगवान की आरती करने के लिए आप सीधा जमीन पर ना खड़े हो, किसी आसन का प्रयोग करके आसन पर खड़े हो। हमें चाहिए 5 या 3 अगरबत्ती, 1 घी का दिया, भगवान को पानी ऑफर करने के लिए शंख और पानी का वाटर पॉट, 1 साफ रुमाल, कुछ फूल, 1 चामर और व्यजन यानी कि मोरपंख। अगर आप इतना अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट भगवान के लिए अगरबत्ती, 1 दिया और फूल, ये 3 सामग्री जरूर रखें। साथ साथ घंटी बजाने के लिए 1 घंटी और हमारा हाथ साफ करने के लिए 1 आचमन का पानी से भरा हुआ और 1 माचिस। तो यह 7 सामग्री भगवान को इस सीक्वेंस में ऑफर की जाती है, अगरबत्ती, दिया, शंख में पानी, रुमाल, फूल, चामर और व्यजन। और ये सब नहीं है तो अगरबत्ती, दिया और फूल से आप समाप्त कर सकते हैं। कोई भी सामग्री को उठाने के लिए पहले अपने हाथ धोएं। जिस क्रम में मैंने सामग्री बताई है उन्हें एक एक करके लेकर 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले श्रील प्रभुपाद को, उसके बाद पंचतत्व को, उसके बाद राधा रानी को, फिर कृष्ण भगवान को और अंत में कोई भी आपके मंदिर में मूर्ति या भगवान की फ्रेम है तो उन्हें 3-3 बार दिखाकर अंत में तुलसी महारानी को 3 बार दिखाएंगे और समाप्ति के लिए फिर सभी भक्तों को 3 बार इस तरह से दिखाकर हम एंड करेंगे। अगर आपके पास शंख है तो 3 बार शंख बजाकर आरती की शुरुआत करें और अंत में भी 3 बार शंख बजाकर आरती को समाप्त करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आरती की हर सामग्री को छूने से पहले हम पानी से आचमन करेंगे, तो इस तरह से अपने हाथ पर पानी डालकर अपने हाथ धो लें। उसके बाद सबसे पहले अगरबत्ती जलाएं। हर वस्तु को भगवान को अर्पण करने से पूर्व उसको भी पानी से आचमन कर उसे शुद्ध करेंगे। अपने बाएं हाथ में घंटी बजाते हुए 7 बार प्रभुपाद को, फिर 7 बार पंचतत्व को, 7 बार राधा रानी को, 7 बार कृष्ण भगवान को और अन्य जो भी फ्रेम या मूर्ति आपके मंदिर में है उन्हें 3-3 बार दिखाकर 3 बार तुलसी महारानी को और उसके बाद सभी भक्तों को दिखाकर समाप्त करेंगे। एक वस्तु को अर्पण करने के बाद पुनः अपने हाथ आचमन से धोएं। फिर अभी हम भगवान को घी का दिया अर्पण करेंगे। अगर आपके घर में भगवान श्री श्री निताय गौरंग के विग्रह हैं तो आप पंचतत्व की जगह पहले 7 बार नित्यानंद प्रभु को, फिर 7 बार चैतन्य महाप्रभु को करके राधा रानी को 7 बार, कृष्ण भगवान को 7 बार और अन्य को 3-3 बार करके सभी भक्तों को दिखाकर समाप्त कर सकते। फिर हम अपने हाथों को शुद्ध करके पानी भरेंगे शंख में, पानी भर के शंख को भी शुद्ध करेंगे, फिर 7 बार प्रभुपाद को, फिर थोड़ा सा पानी खाली करेंगे, 7 बार पंचतत्व या आपके घर निताय गौरंग है तो नित्यानंद प्रभु को, फिर चैतन्य महाप्रभु को, फिर 7 बार राधा रानी को, 7 बार कृष्ण भगवान को और अंत में तुलसी महारानी को, फिर पीछे सभी भक्तों को दिखाकर समाप्त करेंगे।
अब फूलों को 7 बार प्रभुपाद को चढ़ाकर कुछ फूल प्रभुपाद को अर्पण कर दें। फिर 7 बार पंचतत्व या निताय गौरांग को चढ़ाकर निताय गौरांग को अर्पण कर दें। फिर 7 बार राधा रानी को चढ़ाकर राधा रानी को अर्पण कर दें। फिर 7 बार कृष्ण भगवान तीन बार तुलसी महारानी और ये अन्य थोड़े से फूल पीछे भक्तों को दिखाकर समाप्त करें। आरती करते हुए दूसरे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं या फिर अगर आप अकेले हैं तो आप कोई हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन श्रीला प्रभुपाद की गाई हुई धुन चला सकते हैं या फिर आप खुद भी हरे कृष्ण मंत्र गा सकते हैं। अगर आपके पास शंख है तो अंत में 3 बार शंख बजाकर आरती को समाप्त कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अंत में भगवान को अर्पण किया हुआ जल लेकर सभी भक्तों में प्रसाद के रूप में प्रोक्षण कर सकते हैं और अंत में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान की जय जयकार करेंगे। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री निताय गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।